तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा ऐसा फ़ोटो कैसे एडिट करें और ग्रीन कलर बैकग्राउंड ग्रीन कलर कैसे बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस फ़ोटो को शेयर करेंगे स्नैपसीड में। इसको शेयर करने के बाद टूल्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे और ट्रोन इमेज पर जाएंगे और इसको इतना कर देंगे भाई, और इसको इतना हाईलाइट को माइनस कर देंगे, सिचुएशन को भी माइनस करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे और इसको शेयर करेंगे लाइटरूम में। तो चलिए मैं लाइटरूम सीधे ओपन कर रहा हूँ भाई। तो मेरा लाइटरूम ओपन हो चुका है। इस आल फोटो पर क्लिक कर देंगे और इस फोटो को ले लेंगे और इसको इस तरह करेंगे और राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको इतना रख देंगे। आप लोग बस देख लीजिएगा सेटिंग, इसको इतना हाईलाइट को माइनस, को इतना वाइट प्लेट को इतना सेटिंग देख लो भाई। आप लोग सेटिंग देख लीजिएगा भाई लोग, सेटिंग देख लीजिएगा और इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, सिचुएशन को प्लस, इसको इतना सेटिंग देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, फ़ोटो के हिसाब से कर दीजिएगा भाई। और मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ग्रीन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसको इधर करेंगे प्लस में ह्यू को, इसको भी इतना इतना करेंगे भाई। और येलो वाले टोन पर आएंगे, इसको इतना, इसको इतना देख लीजिए, सेटिंग देख लीजिएगा भाई लोग आप। और मैं चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना मत बोलना यार। और फेस को थोड़ा वाइट करेंगे, इसको इस तरह थोड़ा करेंगे, सेटिंग आप लोग देख लीजिएगा इतना करेंगे। और इसको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको इतना विग्नेट को माइनस, इसको इतना डिटेल इतना, इसको इतना बस बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।